अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन दोस्तों आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है वो महबूला से आ रही है, महबूला एरिया से। और दूसरी खबर दोस्तों ये है कि वहां पे सिविल आईडी को लेकर आ रही है। और दोस्तों एक खबर ये है कि यदि वहां पे नए वीजा के बारे में कुछ बातें बताई गई, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुवैत की जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जो खबर आ रही है वो महबूला एरिया से आ रही है। दोस्तों आपको पता होगा कि कुवैत में जितने भी एरिया है सभी में निरीक्षण किया जा रहा है। तो कल के दिन वहां पे अहमदी की म्यूनसिपैलिटी टीम के तरफ से दोस्तों वहां पे निरीक्षण किया गया महबूला में, और कुछ पुलिसकर्मी भी उसके साथ थे, जिसके बाद वहां पे करीब करीब 46 लोगों को वहां पे गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया है। कुछ लोग वहां पे वॉलेटर थे जो कि रेसिडेंसी वॉलेटर थे, कुछ लोगों का इकामा एक्सपायर कर चुका था, कुछ लोगों के पास सिविल आईडी ही नहीं था, कुछ लोग ऐसे थे जो कि इकामा कहीं और लगा था, काम कहीं और जो लोग कर रहे थे, वीजा कहीं और का था, काम कहीं और कर रहे थे। तो कुल मिला के कल के दिन 46 ऐसे लोगों को वहां पे पकड़ा गया, और सभी को वहां पे दोस्तों अधिकतर लोगों को वहां पे अब डिपोर्ट कर दी जाएगी। तो यदि आप भी ऐसे कोई काम करें दोस्तों तो मत कीजिएगा, यदि आप पकड़े जाओगे तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। और कहीं पे भी बाहर यदि आप निकलो तो सिविल आईडी आप लेकर जरूर निकलिएगा। अगली जो अपडेट साथियों आ रही है वो डोमेस्टिक वीजा को लेकर है, डोमेस्टिक वर्करों को लेकर है, यानी खादी वीजा वाले। तो जितने भी दोस्तों खादी वीजा वाले अभी आ रहे हैं, क्योंकि खादी वीजा सबसे सस्ता होता है, लोग क्या करते हैं खादी वीजा लेकर आते हैं कुवैत में, और वीजा कहीं का और का होता है, काम कहीं और करते हैं ज्यादा पैसे के लालच में। तो दोस्तों जितने लोग भी अभी खादी वीजा वाले यदि आप लोग आने वाले हैं तो कोशिश कीजिए अभी नहीं आइए, क्योंकि जहां पे भी आओगे आपको वहीं पे अभी काम करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आप कहीं बाहर निकलकर काम करने की कोशिश करोगे तो तुरंत आप पकड़े जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि पूरे कुवैत में निरीक्षण का काम जो है वो जारी है। गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है कि जल्द से जल्द लोगों को रिपोर्ट किया जाए जितने लोग वहां पे पकड़े जा रहे हैं। तो जो लोग भी अभी खादी वीजा वाले आ रहे हैं तो जहां पे काम मिल रहा है वहीं पे काम कीजिए, दूसरा जगह निकल कर काम मत कीजिए। और यदि आपको इस सब चीजों से बचना है तो दो चार महीना वेट कर लीजिए, तब तक सभी लोगों को निकाला जा चुका होगा, निरीक्षण का काम बंद हो जाएगा, तो आप लोग फिर जो है बच जाओगे। तो ये बात का आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों चलते हैं अगली खबर की और जान लेते हैं दोस्तों वहां से अगली खबर क्या आ रही है कुवैत से। तो अगली खबर साथियों जो आ रही है कि बताना चाहूंगा आपको कि जजीरा एयरवेज की तरफ से है। तो बताना चाहूंगा साथियों कल के दिन वहां पे जजीरा एयरवेज में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण फ्लाइट में जिसमें लगभग 50 लोग सवार थे और 6 क्रू मेंबर थे, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हुआ था। तकनीकी प्रॉब्लम के कारण उसे इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जो कि टर्की के शहर इस्तांबुल में कराई गई। फिलहाल किसी की जान नहीं गई है, सभी लोग बच गए हैं, और जितने लोग थे क्रू मेंबर और 50 पैसेंजर जो लगभग थे सभी को कुछ नहीं हुआ, बस तकनीकी प्रॉब्लम था, इसलिए दोस्तों इसे फिलहाल दोस्तों किसी को कुछ नहीं हुआ, सब ठीक ठाक है। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों नेक्स्ट वीडियो पर, अल्लाह हाफिज़।